नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हरियाणा एक्सप्रेस। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। दिल्ली में एनसीआर योजना बोर्ड की 41वीं बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया हिस्सा, विकास को लेकर की गई अहम प्लानिंग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की सीएम ने मुलाकात, हिसार एयरपोर्ट, ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर हुई अहम चर्चा। कृषि मंत्री जेपी दलाल के अधिकारियों के साथ बैठक, खाद समस्या को लेकर दिए निर्देश, बोले किसानों को समय पर मिलेगी खाद। किसान नेता योगेंद्र यादव को लेकर दिग्विजय चौटाला का बयान आया सामने, बोले किसानों की नहीं, किसानों की चिंता करते हैं योगेंद्र यादव, दिखा रहे दोहरा चरित्र। और महम विधायक बलराज टुंडू ने निकाला कैंडल मार्च, लखीमपुर में मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि, बोले किसानों का खून बेकार नहीं जाएगा। चलिए, प्रतिशत हिस्सा एनसीआर में आता है, जिसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर बैठक की जाती है। सीएम ने यह भी कहा कि बैठक में 2041 के रीजनल प्लान पर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और जो भी सहमति बनेगी उस पर 2041 का ड्राफ्ट प्लान तैयार होगा। जैसा हमको बताया कि एनसीआर एरिया, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा पोर्शन आता है, हरियाणा स्टेट का लगभग 56% एरिया उसमें आता है, तो उसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद। तो आज की मीटिंग में जो 2041 का रीजनल प्लान बना है उसके बारे में विचार विमर्श था, काफी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए, उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे, तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी, और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा कुछ सुझाव। हमने एनसीजेड एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उसके कुछ सुझाव दे, वो 7 दिन में या 10 दिन में अपना सुझाव भेजेंगे और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा, ताकि उसके ऊपर जो सहमति बनेगी वो 2041 का जो ड्राफ्ट प्लान है वो तैयार करके दिया जाए। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलीहब गुरुग्राम में बनाया जाएगा और उड्डयनों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्जेस भी कम किए जाएंगे, जल्द ही ड्रोन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि मुलाकात ने हिसार एयरपोर्ट, ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी चर्चा हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है, और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आपको गारंटी करें, सब विषय बहुत ही। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक की जानकारी देते हुए ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में खाद की पर्याप्त मात्रा है और खाद की कोई भी कमी नहीं है। बता दें कि बैठक में खाद कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद नजर आए। कृषि मंत्री का इस दौरान कहना है कि आगामी गेहूं की बुवाई को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर खाद का डाटा तैयार किया जाए। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को पंचकुला में माता मनसा देवी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास, समृद्धि, शांति और सद्भाव के लिए हवन यज्ञ में आहुति भी दी। बता दें कि इस मौके पर डिप्टी सीएम के परिजन भी मौजूद नजर आए। डिप्टी सीएम का कहना है कि उन्हें दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को इस दौरान दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। पहले तो मैं तमाम देशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं, और जिस तरीके से हर वर्ष मनसा देवी माता के इस पावन प्रांगण में नवरात्रों के इस पावन पर्व को हम मनाते हैं, मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस पावन दिवस पर दर्शन करने का मौका मिला।
मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि माता रानी सभी को इसी तरीके से अपना आशीष बरसती रहे और प्रगति के पथ पर तमाम देशवासी चलते रहे। जेजेपी कार्यालय पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान नेता योगेंद्र यादव को किसानों के फायदे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पसंद है और कांग्रेस के फायदे के लिए वो राजनीतिक साजिश रच रहे हैं, जिससे 3 कृषि कानून का मुद्दा हल नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता योगेंद्र यादव दोहरा चरित्र रखते हैं। राजस्थान में किसानों की समस्या पर कभी नहीं बोलते, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा के सिर्फ 2 नेता हैं एसकेएम और जो हरियाणा में इस मूवमेंट को ज्यादा चला रहे हैं, बाकी तो हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है। उन्होंने कहा क्या आप या आपकी पार्टी ने इन तीनों कानून में किसी बदलाव की मांग की थी क्या? जननायक जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी और हमने हर फसल के उचित दाम को दिलवाने के लिए किसानों के लिए चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर निरंतर संघर्ष किया और आगे भी करेंगे। हमने उन तभी तमाम मांगों जो बदलाव सरकार से इन लोगों ने किए, इस मिशन को शुरू करते हुए हमने निरंतर उस बात का पक्षधर होकर के किसानों की हिमायत करी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब लोग इस बात के फिर भी पक्षधर, दोबारा अगर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस बात के पक्षधर हैं कि कानूनों में जो किसान के हित की चीजें नहीं हैं उनमें बदलाव होने चाहिए। बढ़ते आगे, जहां चंडीगढ़ में महम विधायक बलराज कुंडू ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। विधायक का कहना है कि किसानों का खून बेकार नहीं जाएगा, सड़कों पर गिरा किसानों के खून का एक एक कतरा इनकलाब लिखेगा। तो लखीमपुर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी है विधायक बलराज गुंडू ने। बता दें कि इस दौरान उनके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जहां उनका कहना कि किसानों का खून का एक एक कतरा इनकलाब लिखेगा। दरअसल लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों पर देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं इसी कड़ी में महम विधायक बलराज कुंडू ने किसानों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला है। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक ने मौके पर कहा कि किसानों का खून बेकार नहीं जाएगा। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता पर देश भर में विरोध जताया जा रहा है, जहां इंसाफ की मांग जगह जगह की जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा है, केंद्र सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है। वहीं जगह जगह दोषियों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन अब जगह जगह पर विरोध भी जताया जा रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की यह तस्वीर, जहां विधायक बलराज कुंडू ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान उन्होंने किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी है। विधायक का मौके पर कहना कि किसानों का खून बेकार नहीं जाएगा, किसानों के खून का एक एक कतरा इनकलाब लिखेगा। तो किसानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हुए नजर आए हैं विधायक महम विधायक बलराज कुंडू। इस दौरान उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है। वहीं केंद्र सरकार से लगातार ये मांग भी की जा रही है कि दोषियों पर कार्रवाई सख्ती के साथ की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इस मामले में सजग नजर आ रही है। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी युद्ध स्तर पर तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं लखीमपुर में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए महम विधायक बलराज कुंडू ने कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा है, किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए वो नजर आए हैं। और अब बात अंबाला की करेंगे, जहां शंभू टोल प्लाजा पर लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए सुखमणि साहिब का पाठ रखा गया। इस दौरान अंतिम अरदास भी की गई। मौके पर भारी संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसानों ने हिस्सा लिया।
साथ ही उनके परिवार को दुख सहने की कामना भी की गई। बता दें कि सुखमणि साहिब पाठ में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सुखमणि साहिब पाठ में अंतिम अरदास की गई है। दरअसल लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता का विरोध जहां देशभर में देखने को मिल रहा है, वहीं जगह जगह किसानों की आत्मा की शांति के लिए भी आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला की तस्वीर, जहां टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसान मौजूद हुए हैं। किसानों ने इकट्ठा होकर मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी किया है। सुखमणि साहिब पाठ में ये अंतिम अरदास की गई। किसानों की आत्मा की शांति के लिए ये पाठ का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में किसानों ने भी शिरकत की। बता दें कि इस मौके पर किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। साथ ही हरियाणा और पंजाब के कई किसानों ने इस दौरान पाठ में हिस्सा लिया। मृतक किसान के परिवार को दुख सहने की कामना की गई। बता दें कि सुखमणि साहिब पाठ में महिलाओं ने भी इस दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंबाला की यह तस्वीर, जहां टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसान एक साथ इकट्ठा हुए और लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि किसानों की आत्मा की शांति के लिए पाठ का भी आयोजन किया गया। सुखमणि साहिब पाठ में अंतिम अरदास की गई। मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए इस दौरान अंतिम अरदास दी गई। हालांकि इस दौरान महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पाठ में पहुंची थी। अंबाला की यह तस्वीर, जहां लखीमपुर खीरी घटना का विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है, वहीं जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। मृतक के परिजनों को अपार दुख सहने की शक्ति की कामना करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं अंबाला के टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसान एक साथ नजर आए हैं, जहां लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए यहां किसानों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि महिलाएं भी इस दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पाठ में शामिल होने पहुंची हैं। सुखमणि साहिब पाठ में अंतिम अरदास की गई। इस दौरान भारी संख्या में किसानों ने यहां हिस्सा लिया है। हरियाणा और पंजाब के कई किसान यहां हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बता दें कि अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर यहां किसानों की आत्मा की शांति के लिए सुखमणि साहिब का पाठ रखा गया और अंतिम अरदास भी की गई। हालांकि महिलाएं भी यहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पहुंची, जहां किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ये आज सुखमणि साहब का पाठ इसलिए रखवाया गया, संयुक्त मोर्चे का आह्वान था भी पूरे देश में आज जो यूपी में हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी अंतिम अरदास है आज यूपी में भी, और उनकी शांति के लिए सुखमणि साहब का पाठ आज हमने भी अंबाला में शंभू टोल पे कराया है। तो उनको आत्मा की शांति के लिए ये पाठ कराया गया है। आगे की रणनीति जैसे भी ऊपर से आदेश आएंगे वो रणनीति चलती रहेगी, संघर्ष तो अभी जारी है, संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ। देखो लखीमपुर खीरी में हमारे जो बेकसूर किसानों की निर्मम हत्या की गई है इस बेरहम सरकार ने, उनकी आत्मा की शांति के लिए सारे देश के कोने कोने में आज उनकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास की जा रही है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहली घटना है जब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर एंड क्रिएचर दी होल कंट्री इज यूनाइटेड अगेंस्ट दी टेररिज्म ऑफ दी गवर्नमेंट, नॉट दी टेररिज्म ऑफ दी टेररिस्ट बट अगेंस्ट दी टेररिज्म ऑफ दी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ सारा देश एकजुट हो गया है। सबने जात पात और धर्म की परवाह ना करते हुए एकजुटता का साथ खाकर बेकसूर मारे हुए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में भी किसानों की आत्मिक शांति के लिए सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। बता दें कि किसान नेता जसबीर सिंह मामू माजरा ने पत्रकारों से बातचीत भी की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलकर शहीद कर दिया गया। उन सभी शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए सुखमणि साहिब पाठ का आयोजन किया गया है,
जिसमें महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो महिला किसान भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कुरुक्षेत्र में भी सुखमणि साहिब का पाठ किया गया है, जहां तमाम किसानों ने इस पाठ में हिस्सा लिया है। महिला किसानों ने भी मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए सुखमणि साहिब पाठ में शिरकत की है। बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर देश भर में विरोध की आग अब बढ़ती जा रही है। हालांकि इस दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से लगातार इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सजग नजर आ रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस दौरान अजय मिश्रा के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं अजय मिश्रा ने कई बार बचाव भी किया है अपने बेटे का। खैर, जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, ऐसा कहना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का। लेकिन इस कड़ी में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। वहीं जगह जगह मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी किया जा रहा है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। जगह जगह पर पाठ किया जा रहा है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए ये पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बता दें कि देश भर में विरोध जहां देखने को मिल रहा है, वहीं अब मृतक के परिजनों को भी ढांढस बंधाने की कवायद तेज होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल मृतक के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ तमाम बड़े नेता लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई लोगों को जाने से रोका भी है, जिसके चलते विरोध जगह जगह देखने को मिल रहा है। वहीं जगह जगह मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर, जहां किसानों की आत्मा की शांति के लिए सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। मैं तो यही समझदा भारत सरकार जो किसानों के उत्ते अत्याचार कर रही है, एक किसान भारत की एक रीढ़ की हड्डी है, इनू ये तोड़न के काम कर रही है। असी तो यही कहेंगे कि सरकार मनजे तो जेड़ा लखीमपुर खेरी दे विच किसानों के उत्ते निछत्र हुआ उन दे जेड़े कातिल ने उन्होंने सज़ा होवे। देखो जी, अज तो कुछ दिन पहला लखीमपुर खेरी विच किसानों ते जो सरकार दे बंदियां ने तशद्दुद ढाया है, उन्हां दी अज अंतिम अरदास हर मुल्क दे हर कोने च किसानां वल्लों करवाई जा रही है। उस कड़ी नूं मुख रखदे होइआं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र विच वी सुखमणि साहिब दा पाठ ते किसान उन्हां दी आत्मा दी शांति लई सरकार नूं समत नाल ही सरकार नूं समत बख्शे ये वाहिगुरू दा दर इस अंतिम अरदास च असी शामिल होण लगे हाँ। और असी इतों ये भी मंग करने कि वह जिहड़ा शहीद परिवारों जो सरकार ने मुआवजे दिते ने वो कल्ले मुआवजे नाल गल नहीं बन वाली, उन्होंने बिल्कुल न्याय मिले और जो जो आदमी इस कांड विच शमलत ने उन्होंने गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभावना सरकार गिरफ्तार। और इसी के साथ हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ खास खबरों के साथ। क्या आप दुबले पतले